नमस्कार दोस्तों, मैं राम सहाय, आप देख रहे हैं राम आर्ट स्टूडियो। तो आज हम आप लोगों को ऐसे एक गांव से रूबरू कराने वाले हैं जहां पे एक घर से घुसने के बाद पूरा गांव मिलता है। एमपी का ये गांव उन लोगों के लिए सबक है जो अपने पड़ोसियों को निकलने के लिए खेतों की मेड़ देने में हिचकिचाते हैं। तो आइए आपको उसी गांव पर लिए चलते हैं, आप भी देखिए कैसे लोग हैं, आज भी इंसानियत जिंदा है। तो दोस्तों, इस गांव का नाम रौड़ है। रौड़ ये मध्य प्रदेश के सतना ज़िले में स्थित है। आप देख सकते हैं ये वो घर है जहां से पूरे गांव वालों को निकलने के लिए रास्ता दिया गया है। घर के नीचे से आप देख सकते हैं गेट है, ये गेट है और इसी गेट से पूरा गांव निकलकर मेन रोड तक जाता है। और ये तो एक गेट है, अभी आपको लिए चलते हैं दूसरा गेट भी आपको मिलेगा। ये एमपी का सतना जिला है और गांव का नाम रौड़ है। याद रखें, आज भी यहां पर इंसानियत जिंदा है। हमने पहले ही बताया है कि लोग खेतों से मेड़ से निकलने के लिए भी रास्ता देने में हिचकिचाते हैं, लेकिन यहां देखिए ये दूसरा गेट आ गया, दूसरा दरवाज़ा, यहां से लोग निकलते हैं। आप देख सकते हैं ये पीछे पूरा गाँव है ये, और इस तरह से घर के बीचों बीच निकलना पड़ता है, या यूं कहो कि ऊपर अटारी और नीचे सरकारी। तो इस तरह से ऐसे गांव आपने कभी नहीं देखे होंगे, मैंने भी पहली बार देखा तो मुझे लगा मैं इस वीडियो को कवर करूं, लोगों तक पहुंचाऊं, तो शायद उन लोगों के समझ में आए जो थोड़ी सी ज़मीन के लिए लड़ते रहते हैं, एक दूसरे का सर फोड़ते हैं और यहाँ तक कि जान भी गंवा देते हैं थोड़ी सी ज़मीन के लिए। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, ऐसे लोगों से जो एक फीट ज़मीन के लिए अपने भाइयों से लड़ते हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि थोड़ी सी ज़मीन के लिए अपने भाइयों से ना लड़ें, इस गांव से कुछ सीखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।